जय जगन्नाथ दोस्तों, आज हम ऐसा एक सीएम के बात करेंगे जो लास्ट 10 ईयर में 3 बार, जैसे कि एनडीए से यूपीए आया है, यूपीए से एनडीए गए हैं, फिर एनडीए से यूपीए, यूपीए से एनडीए। तो एक्चुअली ये जो देखकर थोड़ा इंटरेस्ट आ ही जाता है कि इनके बर्थ चार्ट में ऐसा क्या है जो ऐसा करने में इनको इधर इनको हेल्प कर रहा है या ऐसा करवा रहा है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे नीतीश कुमार जी के बारे में, ठीक है? बिहार का चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी, जो 2000 साल में पहली बार बिहार का सीएम बने थे 7 दिन के लिए। बहुत ही कम लोग को पता होगा, ये 7 दिन के लिए 2000 में बिहार का चीफ मिनिस्टर बने थे। तो सेकेंड टर्म उनका था 2005 to 2010, थर्ड टर्म 2010 to 2014। और ये जो उनका पॉलिटिकल करियर स्टार्टिंग से ही, वो जनता पार्टी और ऐसा कर, मैंने जनता पार्टी हो या अपना खुद का पार्टी जो एनडीए का अलायंस हो, अप टू 2014 तक वो वहां तक थे, ठीक है? 2014 के बाद वो महागठबंधन यूपीए में जुड़ गए, ठीक है? फिर 2017 में वो अगेन एनडीए में जुड़ गए, ठीक है? फिर 2022 में वो महागठबंधन में जुड़ गए, ठीक है? फिर 2024 में अभी प्रेजेंटली एनडीए में जुड़े हैं। तो ये एक्चुअली बहुत सारा उनका, जैसे कि एनडीए से यूपीए, यूपीए से एनडीए, एनडीए से यूपीए, यूपीए से एनडीए बहुत बार हुआ है। स्पेसिफिकली 2013-14 से चालू करके आज तक उनका जो पार्टी का, जैसे कि यूपीए एनडीए ऐसा वो कर रहे हैं, एंड ऑलमोस्ट ऑल दी केसेस ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो ये पार्टी का जो चेंज चेंज वो किए हैं, उनका मैंने जो चीफ मिनिस्टर वो बने रहे हैं, ठीक है? तो आज हम वो चार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे जो पॉलिटिकली बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड पर्सन है बिहार में, ठीक है? एंड उनका नाम है नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार का जो बर्थ डिटेल है, मार्च 1, 1951, दिन के 1:20 में उनका बर्थ है, ठीक है? एंड आप देखोगे नीतीश कुमार जी का जो आत्मा कारक प्लैनेट है वो है जुपिटर, हाईएस्ट डिग्री है, ठीक है? आप लग्न की अगर बात करेंगे तो उनका लग्न हो जा रहा है जेमिनी एसेंडेंट, ठीक है? उनका 4th हाउस में सैटर्न है, 10th हाउस में वीनस विथ मार्स, मून 6th हाउस में, ठीक है? एंड चार चार ग्रह का कुट बन रहा है, राहु, जुपिटर, सन एंड मर्क्यूरी, ये चारों ग्रह 9th हाउस में है, ठीक है? पहला चीज है कि उनका चार्ट में कुछ ऐसा योग बन रहा है जिसके कारण वो चीफ मिनिस्टर बने, ठीक है? तो अगर देखेंगे तो उनका 9th लॉर्ड सेटन एंड 10th लॉर्ड जुपिटर के साथ में कोई रिलेशन नहीं हो रहा है, 6th इज रिलेशन हुए, बट अगेन राहु इज द को लॉर्ड ऑफ 9th हाउस एंड जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ 10th हाउस। 9th एंड 10th लॉर्ड बोथ आर कंजनिंग इन द 9th हाउस, ठीक है? सो धर्म कर्माधिपति योग इस चार्ट में बना है, ठीक है? एंड ये चार्ट का लग्न लॉर्ड इज इन द 9th हाउस, सो अर्ध लग्न इज इन लिब्रा। अर्ध लग्न का जो लॉर्ड वो एग्जोल्टेड है विथ मार्स, ठीक है? अर्ध लग्न का लॉर्ड एग्जोल्टेड है विथ मार्स। तो आप देखोगे समहाउ ही इज गेटिंग द सपोर्ट, समहाउ ही इज गेटिंग द सपोर्ट ऑफ द अरुदा, ठीक है? एंड और एक चीज यहाँ पे हम देख सकते हैं, जे आप जब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कोई एक बड़े फिगर का, तो अरुधा लग्न से 9th एंड 10th का अगर रिलेशनशिप बनता है, धर्म कर्मादि योग बनता है, तो लोग पब्लिकली उनको जानेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर अरुधा लग्न का 9th हाउस हो गया मर्क्यूरी हाउस एंड 10th हाउस हो गया मून हाउस। मून एंड मर्क्यूरी दे आर केंद्रा टू ईच अदर, हम ये रिलेशन नहीं बोल सकते बट केंद्रा टू ईच अदर, विल सपोर्ट ईच अदर, ओके? तो ये था बेसिक जो एनालिसिस उनका चार्ट का, ठीक है? तो अगर हम दशा की सीक्वेंस
की बात करेंगे तो आप देखोगे नीतीश कुमार जी का बर्थ हुआ है मर्क्यूरी महादशा में। मर्क्यूरी महादशा में नीतीश कुमार जी का बर्थ हुआ है। एंड आप देखिए मून यहाँ पे डेबिलिटेटेड है, मून डेबिलिटी में है, ठीक है। बट आप उनका 9th हाउस में देखेंगे तो 9th हाउस में देखिए सन सन है, सन के साथ जुपिटर एंड मर्क्यूरी, एंड देखो देखिए मर्क्यूरी एंड जुपिटर कंबस्ट है, तो सन का इफेक्ट में जुपिटर एंड मर्क्यूरी दोनों कंबस्ट हो गए हैं। एक रूल है आप याद रखिए, सन के पास सब ग्रह कंबस्ट हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, एंड सन इज बीइंग कंबस्ट बाय और इक्लिप्स्ड बाय राहु। तो फाइनली राहु सन को इक्लिप्स कर दे रहा है, तो ये हाउ यहाँ पर राहु इज मोस्ट पावरफुल, क्योंकि राहु इज अल्टीमेटली एक्लिप्सिंग दिस सन विच इज कंबस्ट कर रहा है जो मर्क्यूरी और जुपिटर को, ठीक है। तो राहु का ये एक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। एंड आप देखोगे राहु इज इन दी 9th हाउस, 9th हाउस का कारक जुपिटर है, जुपिटर और राहु एक्चुअली एनमीज है। राहु अगर 9th हाउस में रहेगा दैट पर्सन, मैंने हम बोल सकते हैं ही विल नॉट, उनका वो इंसान का बिलीफ सिस्टम में इश्यू है, ही इज नॉट एबल टू, वो हम बोलते हैं ना जो हमेशा राहु 9th हाउस का, राहु का क्या मतलब है, 9th हाउस राहु नॉर्मली वो अपना रिलीजन छोड़ के दूसरा आउटसाइड रिलीजन को वो अपनाएगा। हम नॉर्मली 9th हाउस राहु को बोलते हैं यू टेक ए गुरु फ्रॉम ए फॉरेन प्लेस। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर यही चीज है, जे राहु अगर 9th हाउस में रहेगा जुपिटर इन हाउस में, ये हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, हमेशा डाउट्स क्रिएट करेगा रिलेटेड टू द गुरु और सीनियर्स और जो बिलीफ सिस्टम है। 9th हाउस आपका बिलीफ सिस्टम को शो करता है, तो 9th हाउस में राहु होने का मतलब है देर इज सम प्रॉब्लम इन योर बिलीफ सिस्टम, ठीक है। एंड आप देखोगे नीतीश कुमार जी जब जब उनका पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ, आप 1990 जो मून का मून हो गया, मून में वो एक बार चीफ मिनिस्टर बने, फिर मार्स में भी वो चीफ मिनिस्टर बने। बट राहु का पीरियड आपका 2011 से चला, 11 से 29 तक है। एंड आप देखिए 2014 के बाद ये एक बार फर्स्ट टाइम वो अपना दल बदल किए, मतलब एनडीए छोड़ के यूपीए में चले गए, महागठबंधन में चले गए, फिर ये दूसरा बार महागठबंधन में चले गए, ये तीसरा बार महागठबंधन में चले गए, ठीक है। फिर फाइनली अभी एनडीए में है। तो अगर इसको ये दोनों को फिक्स मानते हैं तो अभी तक 3 बार वो दल बदल कर चुके हैं। एनडीए मान लीजिए एनडीए स्टार्टिंग में भी था, अभी भी एनडीए में है, तो बीच में वो एक बार महागठबंधन, दूसरी बार एनडीए, फिर तीसरी बार महागठबंधन, जाके अभी एनडीए में है। तो 3 बार राहु के पीरियड में उनका गठबंधन में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। आप देखिए ये चार्ट में राहु 9th हाउस में है और तीन प्लैनेट के साथ है, तो व्हाट आई फील, राहु 9th हाउस में है, राहु इज विद जुपिटर, इज विद सन, इज विद मर्क्यूरी, सो 3 बार उनका दल परिवर्तन हो गया है। तो मुझे लगता है ये फाइनल है और ये एनडीए छोड़ के अभी मुझे नहीं लगता है ये कि जाने वाले हैं, ठीक है। बट राहु देखिए मर्क्यूरी वीनस वीनस से 7th हाउस विल ब्रिंग पार्टनर टू प्रोक्रिएट, जिसके साथ आप बच्चे पैदा करोगे, ठीक है। उस तरह से मर्क्यूरी से 7th हाउस जो है उस वो आपको हेल्प करेगा बिजनेस सेटअप में है, ठीक है, बिजनेस या पार्टनरशिप सेटअप में। आप देखिए मर्क्यूरी से 7th हाउस में केतु है, तो केतु केतु हम बोल सकते हैं केतु काइंड ऑफ पीपुल्स आर कमिंग, और ही इज टर्निंग टुवर्ड्स केतु काइंड ऑफ पीपुल, और हुई ही इज नॉट एबल टू, एक्चुअली उनका कोलाबरेशन ठीक से नहीं हो रहा है, या ही इज टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस, जिसके चलते हुए आप बोल सकते हो कि ही इज नॉट एबल टू
एबल टू नॉट एबल टू स्टे इन ए पार्टी ड्यूरिंग दिस राहु पीरियड, बिकॉज राहु इज द कंफ्यूजन. राहु हमेशा कंफ्यूज डाउट करो क्रिएट करवाएगा. अगर कोई सीनियर बोलेगा ये करना है, तो वो राहु बोलेगा क्यों ये करना है. बिलीफ सिस्टम में मेजर इश्यूज देता है राहु, ठीक है, बिलीफ सिस्टम से मेजर इश्यूज देता है राहु. एंड अगर हम आत्मा कारक की बात करते हैं, तो जुपिटर आत्मा कारक है. जुपिटर इज इन द 9th हाउस विच इज गुड, बट ये जुपिटर इज बीइंग कम्बस्ट बाय दिस सन एंड मर्क्यूरी, मर्क्यूरी आल्सो कम्बस्ट बाय दिस सन. सो सन एक्चुअली 9th हाउस को कम्बस्ट कर रहा है, राहु क्या कर रहा है ना, सन को कम्बस्ट कर दे रहा है. तो अल्टीमेटली आप देखोगे समहाउ बिलीफ सिस्टम में इश्यू है, जिसकी वजह से आप देखोगे 3 बार उनका वो यूपीए में गए, फिर एनडीए में आए, फिर यूपीए में गए. इट इज बिकॉज ऑफ राहु. एंड दशा भी राहु का चल रहा है, राहु का, राहु जी हो गया, फिर जुपिटर पीरियड में ये शायद राहु जुपिटर में उनका ये महागठबंधन गठबंधन में गए, फिर जुपिटर खत्म हो गया. जुपिटर के बाद सेटन का दशा जब चालू होगा, फिर ये आगे एनडीए में, फिर मर्क्यूरी, मुझे लग रहा है कि मर्क्यूरी में महागठबंधन. उस तरीके से दशा सिक्वेंस को देखना पड़ेगा. बट राहु अल्टीमेटली जो 9th हाउस में है, वो पीरियड में ही उनका मेजर चेंजेस या पॉलिटिकल वो मेजर चेंजेस लाए हैं. देखिए इसका और हम इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं, बट मुझे लगता है बिकॉज ऑफ दिस राहु ही हैज हैविंग इश्यू इन द इन हिज बिलीफ सिस्टम, सो दैट ही इज नॉट एबल टू स्टिक ए सिंगल पॉलिसी. एंड यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग चीज है, कि वो किसी भी कंडीशन में उनका डिग्निटी खराब नहीं हुआ है. मतलब दल बदल करने से भी आप देखोगे वो चीफ मिनिस्टर ही बने रहे हैं. तो व्हाट इज द थिंग इन दैट, आप ये वाला चीज को थोड़ा एनालाइज कीजिए कि कोई भी कंडीशन में उनका चीफ मिनिस्टर वो बन जाते हैं. जैसे भी आप देखिए जो 9 टाइम्स टर्म्स हुआ है, हर बार वो जो दल बदल किए हैं वो चीफ मिनिस्टर ही बने हैं. वो कभी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर में रह के दल बदल करके और कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बना है. तो दैट इज ए मोर इम्पोर्टेंट थिंग इन हिज चार्ट, ठीक है. और एक देखिए, हमेशा लग्न लॉर्ड, यहाँ पे देखिए मर्क्यूरियन लग्न है, मर्क्यूरी इज इन द 9th हाउस एंड ये मर्क्यूरी कम्बस्ट है एंड राहु के साथ जुड़ा हुआ है. तो मर्क्यूरी समाउ ही इज नॉट अप्लाइंग, माने उनका इंटली, देखिए जब एक इंसान बार बार दल बदल करता है, समाउ हिज इंटेलिजेंस इज नॉट वर्किंग 100%, ठीक है. तो फ्रेंड्स मुझे लगता है 3 बार राहु इज कंजंक्ट विथ 3 प्लैनेट्स, तो 3 बार उनका दल बदल हो चुका है. अभी मुझे नहीं लगता है कि वो फिर से कोई दल बदल करे. एंड नीतीश कुमार जी बिहार का प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है. एंड देखते हैं इन फ्यूचर हाउ ही इज अप्रोचिंग इन हिज प्रोस्पेक्टिव टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, ठीक है. एंड बिहार का जनता जैसे भी हो, देखिए ये सेकेंड हाउस फ्रॉम मून अरुधा लग्न, सेकेंड हाउस फ्रॉम अरुधा लग्न विल प्रोटेक्ट दिस अरुधा लग्न टू फॉल. यहाँ पर मून है, मून सोसाइटी है. एक्चुअल बिहार में नीतीश कुमार जी का पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, जिसके वजह से ही इज नॉट लूजिंग हिज थ्रोन, वो नहीं लूज कर रहे हैं, मतलब चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं. सो फ्रेंड्स दिस इज द बार चार्ट एनालिसिस ऑफ बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी. होप यू एंजॉय दिस वीडियो. मैं फ्यूचर में इस तरह का बहुत सारा वीडियो लाने वाला हूँ. जैसे कि अभी लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ हर जगह का, मैंने अगर कैंडिडेट का एक्यूरेट डाटा मिल जाता है, देन वी कैन डू एनालिसिस. बट फ्रेंड्स इस तरीके का आप अगर कुछ वीडियो आप चाहते हो कि मैं बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. और ये चार्ट का एनालिसिस में अगर आपको कुछ बात शेयर करना हो, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए. अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए. होप यू एंजॉय दिस वीडियो. डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.